हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर्टी गुड। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम चेक करेंगे एप्पल का लेटेस्ट मैकबुक एयर M3 चिप का टियोडाउन और चेक करेंगे इसकी इंटरनल डिज़ाइन। एट द सेम टाइम हम चेक करेंगे इसमें कौन कौन से पार्ट्स मॉड्यूलर हैं और इजिली रिप्लेसेबल है। इसका एग्जैक्ट मॉडल नंबर है A3113 जो कि है 13.6 इंच मॉडल। सो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द टियोडाउन। सबसे पहले हम इसे टर्न ऑफ कर लेते हैं। वेट फॉर 5 to 10 seconds बिफोर क्लोजिंग द फ्लैप। नेक्स्ट हम बॉटम प्लेट से 4 पेंटालूप P5 स्क्रूज को निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ पेंटालूप P5 स्क्रू ड्राइवर। नेक्स्ट हमें सक्शन कप से इसे लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ और स्पजर से हमें इसमें स्लाइड करना है। लॉक नंबर 1, लॉक नंबर 2, यहाँ पर लॉक नंबर 3 और यहाँ पर लॉक नंबर 4। सो 13 इंच में टोटल 1, 2, 3, 4 लॉक्स है। 15 इंच में देर आर 6 लॉक्स। हमें नीचे की तरफ पुल करना है इसे टूवर्ड्स डाउन साइड एंड हियर इज द बॉटम पैनल। लेट्स कीप दिस असाइड। सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर हम इंटरनल डिज़ाइन चेक कर लेते हैं। हियर इज द लेफ्ट स्पीकर, हियर इज द राइट स्पीकर, दिस आर द हिंज कवर्स। यहाँ पर है वाईफाई ब्लूटूथ एंटीना मॉड्यूल। हियर इज द डिस्प्ले कनेक्टर्स। हियर इज द मेन लॉजिक बोर्ड बीनीथ दिस प्लेट। दिस कंप्लीट थिंग इज द बैटरी, 1, 2, 3, 4 सेल बैटरी। दिस इज द लॉन्ग ट्रैक पैड केबल। सो लेट्स स्टार्ट विद द टियोडाउन। सबसे पहले हमें बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट हम निकाल लेंगे लॉन्ग ट्रैक पैड केबल अगेन विद द टॉक्स T3 स्क्रू ड्राइवर। अभी नेक्स्ट हम ट्रैक पैड निकाल लेते हैं बिकॉज ये लॉन्ग केबल हमें दिक्कत देगा। इसके लिए हमें टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्क्रू को अनस्क्रू करना है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे टॉक्स T5 स्क्रू ड्राइवर। हमें सिंपली इसे ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है और केबल को ईजिली यहाँ से निकाल लेना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। एंड वी हैव सक्सेसफुली रिमूव द ट्रैक पैड। यहाँ पर मेटल प्लेट्स हैं, सो डोंट टर्न इट अराउंड वरना ये मेटल प्लेट्स गिर जाएंगे। लेट्स कीप दिस असाइड सेफली। नेक्स्ट हम इसका डिस्प्ले असेंबली निकाल लेते हैं। लेट्स टर्न दिस अराउंड। नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं डिस्प्ले असेंबली, जिसके लिए हमें निकालना होगा हिंज कवर्स अलॉन्ग विथ स्पीकर्स एंड दिस वाईफाई एंटीना मॉड्यूल। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं हिंज कवर्स, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे टॉक्स T3 स्क्रू ड्राइवर। नेक्स्ट हम निकाल लेंगे ऑल दी स्मॉल कनेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ टॉक्स T3 स्क्रू ड्राइवर। नेक्स्ट हम इस मेटल प्लेट से स्क्रू निकाल लेंगे। विल रिमूव दिस कवरिंग फर्स्ट जेंटली। अभी नेक्स्ट हम स्पीकर मॉड्यूल्स निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ टॉक्स T5 स्क्रू ड्राइवर। सो दिस इज द राइट स्पीकर मॉड्यूल। Let's remove left speaker module. This is the left speaker module. Next we'll remove the display connectors. And we'll remove the two screws from the metal plate with the help of Torx T3 screwdriver. So display connector disconnect ho gaya hai. Next hum ye lead angle sensor nikal lenge. Sabse pehle hum ye metal plate nikal lenge and then we'll remove the one screw from here. We'll use Torx T3 screwdriver to remove the metal plate, and to remove this small screw we'll use Torx T2 screwdriver. So this is the small lead angle sensor. Next nikalna hai 6 Torx T8 screws to remove the display assembly. Hum use karenge Torx T8 screwdriver. We'll remove 2 screws from each side first, jaise ki video mein dekh sakte ho. Now we'll open the flap and remove the screws. सो वी हैव सक्सेसफुली रिमूव द डिस्प्ले असेंबली। एज यू कैन सी काफ़ी सारे हाथ के फिंगरप्रिंट्स आ रहे हैं दिस मिड नाइट ब्लैक कलर के अंदर। एंड दिस इज द डिस्प्ले कनेक्टर, दिस आर द हिंजेस एंड दिस इज द फ्रंट बेजल मेड अप ऑफ ग्लास। लेट्स कीप दिस असाइड सेफली। एंड दिस इज द टॉप केस असेंबली, जिसके अंदर आ जाता है सीजर कीबोर्ड, टच आई डी, द बैटरी मॉड्यूल
एंड द मेन लॉजिक बोर्ड। नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं मेन लॉजिक बोर्ड बाय रिमूविंग द एप्लीकेबल स्क्रूज। दिस इज T5 स्क्रू ड्राइवर। रिमेंबर द स्क्रू लोकेशन। आपको सारे स्क्रू के लोकेशन को प्रॉपरली रखना है बिकॉज वाइल रिफिटिंग इट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विल डिस्कनेक्ट द कनेक्टर्स। हियर इज द टेप। हमें ये टेप को भी निकालना है एंड विल रिमूव द 4 स्क्रूज फ्रॉम दिस मेटल प्लेट विद द हेल्प ऑफ टॉक्स T3 स्क्रू ड्राइवर एंड विल डिस्कनेक्ट दिस कनेक्टर्स। हियर इज 1 टॉक्स T5 स्क्रू। अभी हमें सिंपली बोर्ड को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। सो दिस इज द मेन लॉजिक बोर्ड एज यू कैन सी। बिनीथ दिस प्लेट वी हैव द मेन लॉजिक बोर्ड द M3 चिप जिसे हम थोड़ी देर में डिसअसेंबल करेंगे। लेट्स कीप दिस असाइड फॉर अ वाइल। नेक्स्ट हम निकाल लेंगे सारे पोर्ट्स और देखेंगे कौन कौन से पोर्ट्स मॉड्यूलर है। लेट्स रिमूव द हेडफोन जैक पोर्ट फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ टॉक्स T5 स्क्रू ड्राइवर। सो दिस इज द हेडफोन जैक कनेक्टर विच इज मॉड्यूलर। तो अगर आपका ये खराब होता तो यू कैन रिप्लेस इट। नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं बोथ USB-C पोर्ट्स एंड MagSafe 3 चार्जिंग पोर्ट। USB-C पोर्ट, अनदर USB-C पोर्ट, दैट्स दिस सी टाइप ब्रैकेट। सो इट्स इजिली रिमूव्ड। दिस इज द MagSafe 3 चार्जिंग पोर्ट। This is a small daughter board. We will not remove this for in this video. So, as you can see, हमने निकाल लिया है headphone jack, both the USB-C port, MagSafe 3 charging port. And here is the 3RA microphone, as you can see. Let's remove the touch ID sensor now. We'll use the same Torx T3 screw driver. ये बहुत डेलिकेट है सो रिमूव इट वेरी केयरफुली बिकॉज दिस इज ग्लूड विद द डबल साइडेड टेप। सिंपली लिफ्ट द टॉप केस एंड द बटन विल बी इजीली रिमूव्ड। सो दिस इज द टच आईडी सेंसर एंड दिस इज द टॉप केस। सो एज यू कैन सी दिस आर द डबल साइडेड स्ट्रेचेबल एडिसिव टेप। बाय रिमूविंग दिस स्ट्रेचेबल टेप्स वी कैन रिमूव द बैटरी एज वेल बट विल नॉट रिमूव द बैटरी इन दिस वीडियो। लेट्स कीप दिस असाइड। लेट्स टियर ऑन द मेन लॉजिक बोर्ड। सो सबसे पहले हमें ये स्क्रू निकालना है 4 स्क्रू विद हेल्प ऑफ टॉक्स T3 स्क्रू ड्राइवर। सो दिस इज द मेटल प्लेट विच एक्ट्स लाइक अ हीट डिसिपेशन थिंग एंड हियर इज द मेन लॉजिक बोर्ड। सो फाइनली गाइस एप्पल ने यहाँ पर 2 NAND चिप डाल दिया है जैसे कि आप देख सकते हो। दिस इज 128GB प्लस 128GB। सो इंस्टेड ऑफ कीपिंग अ सिंगल 256GB SSD लाइक मैकबुक एयर M2 जिस वजह से द स्पीड ऑफ मैकबुक एयर M2 वॉज क्वाइट स्लो। सो एप्पल ने फाइनली अगेन मैकबुक एयर M1 की तरह इसके अंदर 2 अलग अलग 128GB NAND डाल दिया है जिस वजह से इसकी स्पीड सुपर हो जाएगी। सो फाइनली एप्पल ने SSD का इशू सॉल्व कर दिया है बाय मेकिंग इट फास्टर नाउ अप टू 3 Gbps/s। एंड हियर इज द मेन एप्पल M3 चिप विथ यूनिफाइड मेमोरी ओवर हियर। सो दिस इज सिस्टम ऑन चिप।
सो दोस्तों, हमने फाइनली टियर डाउन कर लिया है द लेटेस्ट मैकबुक एयर M3 चिप को। आई होप आपको ये टियर डाउन वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। इसी तरह के मोर नॉलेजेबल वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। बहुत जल्द मिलते हैं, टिल देन हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।